हमें तुमसे शिकायत है, बताना था मिलोगी, शिकायत में भी मोहब्बत है, बताना था मिलोगी से। नजर आए तो करते हैं सच्चा, हमारी इबादत है। प्रोजेक्टर बंद कर दो यार। इस देव की जो झूठी कसमें खाई थी तुमने, वो अब तक सलामत है, बताना था मिलोगी। हमें तुमसे मोहब्बत, प्रोजेक्टर बंद कर दो, हमें तुमसे शिकायत है, शिकायत में भी मोहब्बत है। मुझे हमारी जो एसीएच थी वो मुझे मैंने मैं अपना समोसा खाते खाते जा रही थी, पता नहीं किससे मिलाने वाली है, और ये उसने रूम खोला और ये मेरे हाथ में समोसा और ये मैंने देखा। मुझे सर्कमस्टेंसेस नहीं पता था इसलिए तो शॉक तो है, पर मैंने बात भी की थी। ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें फ्रीक आउट नहीं करना चाहती थी कि किसी की गरीब सी गाल है, वरना मैं तो उछलना शुरू हो जाऊंगी। देखो, जब तक काम चालू रहे मेरा जो होता है जो होता है, जब काम नहीं कर रहा था ना, हर आदमी स्ट्रगलर होता है, तो वो तुम जिससे मिली थी वो भी स्ट्रगलर ही था, वो भी नर्वस बैठा हुआ था, मेरा क्या होगा, होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा। लीव लेने का क्या कारण था? मतलब ऑलरेडी द ट्रैक इज गोइंग वेरी वेल, मतलब सुसाइड हुआ था, सुसाइड के बाद इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो केस चल रहा था कि मेन गलत नहीं है, लड़की थोड़ी गलत है, तो क्या बिकॉज ऑफ द टेलीविजन की जो घर पे सब लेडीज लोग देखते, इसके कारण ये लीव लिया? नहीं, एक्चुअली सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाए, उसको और बेटर कैसे बनाया जाए, बिकॉज आई थिंक कोई भी चीज आफ्टर अ पॉइंट रेपिटेटिव और स्टैग्नेंट लगने लगेगी, तो उससे पहले के रेपिटेटिव हो और स्टैग्नेंट हो, वी वांटेड टू पुश दैट अप, एंड दिस वाज द टाइम आई थिंक। एंड मुझे नहीं पता, ये मुझे ऑलमोस्ट लाइक मुझे लाइक दैट इज अबाउट प्लानिंग, बट इट इज आल्सो अबाउट ओके सिंस टीवी शोज को बहुत ही ज्यादा वुमेन ओरिएंटेड कर दिया जाता है, और ऐसा कहते हैं कि डेली सोप को बहुत ही ज्यादा घर की महिलाएं देखती है या महिलाएं देखती है, सो आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि एवरीथिंग इज चेंजिंग, जनरेशन इज चेंजिंग, तो लड़कों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से आपका शो देखे, क्या एक यूएसपी होगी उसके लिए? हमारा शो तो बहुत सारे लड़के भी देखते हैं, तो मुझे पर्सनली वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फीमेल फैन फॉलोइंग, व्हिच इज गुड, व्हिच इज अगेन मतलब यार सब देखे, सब मिलके देखे, साथ कोई मतलब आई थिंक वी मेक फॉर एवरीवन, हम लोग ये नहीं सोचते हैं बनाते समय कि और तुम लोग बना रहे हैं, हम लोग कर बना रहे हैं, आई थिंक और हर कॉन्टेंट का शायद अपना यू नो एक ऑडियंस का एक वो जो भी होता है, क्या होता है वो क्राइटेरिया, हाँ मतलब एक 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 सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस को केटर की जाती है, आई मीन एवरी शो और एवरी कॉन्टेंट कैन नॉट बी केटर्ड यूनिवर्सली टू एवरी वन, सो आई डोंट थिंक इतना सोच के, आई थिंक जिसको जो जो पसंद आता है वो देख लेते हैं, हम लोग ये नहीं सोचते हैं इसमें लड़कों को मजा आएगा, लड़कियों को सबको आ रहा है, जो देखे वो इंस्पायर हो, उसको लगे लाइफ में यार
कुछ सीखना मिल जाए तो अच्छा है, मजा आ जाए तो अच्छा है, खत्म हो गया फिर आई थिंक हमारी जिंदगी मेहनत सब